हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। चलिए देखते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चेक द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उस पार्ट में आपको बताना है कि ये जो भी इक्वेशन आपकी दे रखी है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। आपको करना क्या है, जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। और अगर इस फॉर्म में चेंज हो जाता है तब कह देंगे कि भाई यह जो आपका दिया गया इक्वेशन है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करना क्या है कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको देखना है कि जो भी आपका दिया गया वेरिएबल एक्स है या वाई है, कोई एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। पहली बात तो ये जो भी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल का पढ़ रहे हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर जो सिंगल वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वह 2 होगी। अगर 2 हाईएस्ट पावर की कोई इक्वेशन मिल जाती है तब हम कह देंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए करते हैं पहले पार्ट को। तो भाई पहला पार्ट दे रखा है ये आपका x+1 और इसका होल स्क्वायर और =2x-3। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी फॉर्म का दे रखा हो आपको करना क्या है, इसको चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो भाई यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका दे रखा है x+1, उसका होल स्क्वायर दे रखा है। अब होल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भाई a+b और इसका होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a² और +2ab और +b² होता है। तो भाई यहाँ पर यही आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो लगा देते हैं तो x+1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे क्या, x² + 1² और प्लस हो जाएगा 2 × x × 1। तो ये a² + b² + 2ab हो गया। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका RHS में दे रखा है, यहाँ पर जो टर्म दे रखा है x-3 बाहर दे रखा है 2 ब्रेकेट में, तो आपको क्या करना है इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 2x और 2 और 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 और x × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x और ये +2x है इसको भी हम इस साइड में ले आएंगे और माइनस का 6 है ये भी इस साइड में आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और =2 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया और बच गया क्या, ये x² + 6 और 1 हो जाएगा 7 और =2 हो जाएगा 0। अब यहां पर हम देखेंगे जो इक्वेशन हमें मिली है वो इक्वेशन कैसी मिली है, x² + 7 = 0। तो भाई हमने क्या किया, मैंने कहा था ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब आपको RHS में =0 रखना है, बाकी सारे वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म को उस साइड में ले जाना है। ले जाने के बाद आप देखो कि भाई जो दिया गया वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो भाई यहाँ पर एक ही वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करना था, यही हमको चेक करना था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो लास्ट में आपको लिख देना यस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन लिख देंगे भाई कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना सा काम करना था आपको। दूसरा इसी टाइप का दे रखा है, दूसरा पार्ट भी चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है हमको, चेक ही करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स है, और आरएचएस में आपका लिखा है माइनस टू, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है माइनस थ्री, सॉरी थ्री माइनस एक्स। एलएचएस में आपको कुछ नहीं करना है, वो पहले से ही सॉल्व है, बस आरएचएस को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में क्या करेंगे उसको एलएचएस में ट्रांसफर कर देंगे। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा, और इस माइनस टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो भाई माइनस टू और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और जब माइनस टू और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स। चलिए अब इधर सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद इन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे एलएचएस में। तो भाई ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है पहले से, और ये प्लस का टू एक्स को पहले एक्स के साथ में ले आते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस सिक्स है साथ इधर जाएगा, ये प्लस सिक्स हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा आपका जीरो। और इसके बाद और सॉल्व कर लेते हैं चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो इक्वेशन हमें मिली है वो मिली है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और ये एक इक्वेशन है, और या इस ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है, और हाईएस्ट टू डिग्री वाला जो इक्वेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई ये तो भी चेक हो गया कि ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बाद में यहां पर भी आपको लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन भाई हम लिख देते हैं कि ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दो पार्ट तो हो गए सॉल्व, चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो भाई थर्ड पार्ट में आप देखेंगे यहां पर दे रखा है एक्स माइनस टू, और ये ब्रैकेट में दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स प्लस वन, और आरएचएस भी कुछ ऐसा ही दे रखा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री ऐसा दे रखा है। अब करना क्या है कि भाई जब दो ब्रैकेट में दे रखे होते हैं नंबर तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई यहाँ पर करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का एकदम सिंपल सा फंडा होता है कि भाई ये जो पहला वेरिएबल है या पहला टर्म है ब्रैकेट का, इस टर्म के साथ में दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म का से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देना है आपको, और इस x से इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि x 1 जा हो जाता है x। तो भाई पहले टर्म से इन दोनों टर्म का हमने कर लिया मल्टीप्लाई, अब बच गया माइनस टू। दूसरा टर्म जो है ये ब्रेकेट का जो दूसरा टर्म है ये है माइनस टू, अब हम क्या करेंगे इस माइनस टू से इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो भाई माइनस टू से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, और इस माइनस टू से वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। तो इस तरह ये दोनों ब्रैकेट हो गए सॉल्व। अब यही काम हमको करना है आरएचएस में, तो भाई आरएचएस में इस एक्स से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स से इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसके बाद माइनस वन है, इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस वन से थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा।
अब हम देख रहे हैं कि भाई यह एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कट रहे हैं आपस में, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। अब बच गया क्या, जो बच गया उनको सॉल्व कर लेते हैं। बच गया ये वाले टर्म, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस टू एक्स है, ये एक्स है और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स और माइनस टू, और ऐसे ही RHS में देखेंगे थ्री एक्स माइनस एक्स करेंगे तो भाई ये टू एक्स बचेगा और माइनस थ्री बचेगा, उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस एक्स और प्लस टू एक्स है, माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू है और माइनस थ्री इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे प्लस थ्री हो जाएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो भाई माइनस थ्री एक्स हो जाएगा और माइनस टू प्लस थ्री करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा वन, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे सबट्रैक। अब यहाँ पर हम जब दोनों साइड को हमने सॉल्व किया, LHS और RHS को सॉल्व किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक इक्वेशन मिली है, लेकिन ये इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वह तो वन है, और वन डिग्री वाला जो इक्वेशन होता है वो लीनियर होता है, और लीनियर है मतलब यह क्वाड्रेटिक नहीं है। तो थर्ड वाला जो इक्वेशन है आपका, ये कह देंगे कि भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहां लिख देना क्या, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन अगर पूछे तो रीजन बता दीजिएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री वन है इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए इसके बाद अगले पार्ट को देखते हैं। ये फोर्थ वाला पार्ट एकदम थर्ड वाले पार्ट की तरह ही है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो भाई यहां देखेंगे आप, ये दे रखा है एक्स माइनस टू और दूसरे ब्रैकेट सॉरी एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री और ये दे रखा है टू एक्स प्लस वन और इक्वल में दे रखा है एक्स और एक्स प्लस फाइव, ये दे रखा है। तो यहां पर भी दो ब्रैकेट में मिल गए नंबर, इनको भी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब भाई मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स से, चलो कलर चेंज कर देते हैं, इस एक्स से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, एक्स और टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और फिर इसी एक्स से इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स, और फिर माइनस थ्री से टू एक्स का करेंगे तो आ जाएगा सिक्स एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री से वन का करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा और इक्वल किस बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स और फाइव का करेंगे फाइव एक्स हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, तो यहां पर आ जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ में लिखते हैं। अब यहां पर पहले इसको सॉल्व कर लो, ये एक्स और माइनस सिक्स एक्स है तो ये दोनों पहले सब्ट्रैक हो जाएंगे, और सब्ट्रैक हो जाएंगे साइन बड़े नंबर का लगाते हैं तो भाई यहां पर बच जाएगा आपका माइनस फाइव एक्स, और प्लस का फाइव एक्स था ये भी इधर जाएगा तो माइनस फाइव एक्स, और लास्ट में आपका माइनस थ्री और इक्वल में आ जाएगा जीरो। और अब देखेंगे यहां पर टू एक्स स्क्वायर है और उससे अगर एक्स स्क्वायर को हम माइनस भी कर देंगे तो भाई टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो वन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वन तो हम लिखते नहीं लेकिन लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस फाइव एक्स, दोनों माइनस के हैं भाई, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा और माइनस थ्री, लेकिन ये सॉल्व हो गए। सॉल्व होने के बाद हमने देखा कि भाई एक इक्वेशन जो हमें मिली है और इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वह टू है, और टू डिग्री की हाईएस्ट इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई यहां पर भी हम लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, कह देंगे कि भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई पहला हो गया। अब फिफ्थ नंबर का आता है नंबर, तो फिफ्थ नंबर को देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर में दे रखा है 2x-1 और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है x-3 और इक्वल में दे रखा है x+5 और x-1। चलिए ठीक, अब इस 2x से इसका मल्टीप्लाई, फिर इस 2x से इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 2x से इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 2 से -3 का करेंगे -6x आएगा, फिर -1 से x का करेंगे -x होगा, और इसी -1 से इस -3 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो भाई ये हो जाएगा आपका +3 और इधर करेंगे मल्टीप्लाई x² और x से -1 का करेंगे -x, फिर x से इन दोनों का कर दिया, अब इस 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 5 से करेंगे तो आएगा 5x-5। चलिए ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x², थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 7x आ जाएगा +3 और इधर आ जाएगा आपका x² -x और +5x है, तो ये हो जाएगा आपका 4x-5 हो जाएगा। चलिए उस साइड में लेके जाते हैं, तो 2x² - x² - 7x और -4x है, इस साइड में जाके +4x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो भाई x² वाले पहले लिख लेंगे फिर x वाले लिखेंगे, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखना है तो भाई +3 कांस्टेंट टर्म उस लेफ्ट हैंड साइड वाला और -5 उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा +5 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां पर देखेंगे 2x² - x² करेंगे हम, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा x² और -7x और +4x, इन दोनों को सब्ट्रैक कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा -3x और 3 और 5 हो जाएगा 8, इक्वल टू हो जाएगा 0 और हमें एक इक्वेशन मिल जाती है और यह इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वह 2 है, तो ये से हम कह देंगे कि भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां लास्ट में आपको लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया, तो इस तरह आपका ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलिए सिक्स वाले पार्ट को देखते हैं, तो सिक्स वाला पार्ट आपका दे रखा है 2x² + 3x और +1 और इक्वल में आपका दे रखा है x-2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे इधर तो आपको कुछ सॉल्व करना है नहीं, बस यहां पर पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाने के बाद उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो भाई ये हो जाएगा आपका x² + 3x + 1 हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा आपका x² + 2x। भाई a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, तो भाई x² लिख दिया है और इसके बाद हम लिखेंगे 2² सिलेक्ट कर लेते हैं -2 × x हो जाएगा × 2 हो जाएगा और यहां देखेंगे x² से x² कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच जाएगा हमारा 3x+1 और इक्वल में क्या बचेगा, ये 4 हो जाएगा और 2 × 4 =
ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा, अब उस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस फोर एक्स है इस साइड में जाके प्लस फोर हो जाए एक्स हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और ये फोर को भी ट्रांसफर करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेवन एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब हमने सॉल्व किया LHS और RHS, देखने में पहले अगर आप देखेंगे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें पता चला कि भाई यहां पर तो जो भी इक्वेशन आई, रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, वह एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री वन है, और डिग्री वन है तो ये लीनियर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप यहां पर लिख देंगे क्या, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो यहां पर आपका सेवंथ पार्ट और एट्थ पार्ट, मतलब दो पार्ट और बच्चे हैं, दोनों पार्ट में भी वही आपको काम करना है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। भाई सेवंथ पार्ट देखते हैं यहां पर, तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस टू और इसका होल क्यूब दे रखा है, और इधर आपका दे रखा है 2x और इधर x स्क्वायर माइनस वन। अब यहां पर देखेंगे भाई LHS में तो आपका दे रखा है x प्लस टू और उसकी पावर लिखी है 3, 3 पावर लिखी है, तो यहां पर आइडेंटिटी का जो हम यूज करेंगे वो होगी a प्लस बी और इसका होल क्यूब, और ये होती है इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, मतलब जो ए प्लस बी होल क्यूब जैसा होगा उसकी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, और वह इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। चलिए यहाँ पर यही आइडेंटिटी हम लगाएंगे, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब और फिर हो जाएगा थ्री ए बी, तो थ्री और ए की जगह पर एक्स और बी की जगह हो जाएगा टू और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू। तो इस तरह हमने इस आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। अब इक्वल में देखेंगे कि भाई यहाँ तो टू एक्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो हो जाएगा टू एक्स क्यूब और टू एक्स का वन से करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू एक्स। चलिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा और टू का जो क्यूब है उसकी वैल्यू होती है एट, टू टू जा फोर और फोर टू जा होता है एट। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम थ्री टू जा सिक्स एक्स और ये एक्स प्लस टू और इधर आप ऐसे ही लिख देंगे टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एट और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से तो हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स का टू से करेंगे तो ट्वेल्व एक्स आ जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब हम देखेंगे LHS पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, अब इसके बाद इस RHS की जो भी वैल्यू है इनको हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब और ये टू एक्स क्यूब है ये इधर जाएगा तो माइनस टू एक्स क्यूब, तो क्यूब वाले लिख दिए। अब आया एक्स स्क्वायर वाला, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं ऐसे लिख देंगे, फिर आएगा ट्वेल्व एक्स और माइनस टू एक्स है तो इधर आके प्लस टू एक्स हो जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा एट और इक्वल टू आ जाएगा जीरो। चलिए इसके बाद इन दो टर्म को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब है ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक हो जाएंगे और सब्ट्रैक होने के बाद ये बचेंगे माइनस एक्स क्यूब और प्लस
आपका आ जाएगा 6x² प्लस 2 और 12 को ऐड करेंगे 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद क्या देखते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वह 3 है, या कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। ये 3 डिग्री का इक्वेशन है और 3 डिग्री का इक्वेशन को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है। तो ये आपका 7th पार्ट हो गया। अब 8th पार्ट को कर लेते हैं। ये आपका दे रखा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और दूसरी साइड में दे रखा है एक्स माइनस 2 और इसका होल क्यूब। अब यहां पर भी क्यूब लगा हुआ है, इधर तो कोई भी आपको आइडेंटिटी ओपन नहीं करना, पहले से ही ओपन है। आपको लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड में देखेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो भाई जब माइनस वाली आइडेंटिटी होती है तो यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। टोटल ऐसे ही करना है यूज, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आपको माइनस लगा देना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और इस साइड में आप लगाएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab होता है, तो 3 लिखेंगे इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2। इसके बाद ये लिखेंगे एक्स क्यूब, वैसे ये कट जाएंगे, इनको कट कर दो, बचेगा क्या आपका माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और इस साइड को सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, और सॉल्व करते हैं इसको 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और इधर माइनस 8 और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब RHS आपका पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब इसकी सारी वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो भाई ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 4x² और x² वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 6x² है, तो ये प्लस 6x² हो जाएगा, माइनस एक्स है और ये माइनस 12x प्लस 1 और माइनस 8 है, प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x², क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि जो भी इक्वेशन मिली है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देना है लास्ट में आपको यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक हो गया आपका यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो गए हैं सॉल्व। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।